अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैंने इस वीडियो के पीछे वॉइस रिकॉर्ड की थी, रादर रिकॉर्ड नहीं की थी, इसी के अंदर थी, लेकिन चूंकि वहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा थी सो आई कुडंट रियली मेक यू पीपल हेयर मी। इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बेसिकली मेरे ऑफिस की बिल्डिंग का, नॉट माई ऑफिस, आई वर्क एट एन आई टी कंपनी, सो वहाँ पे उसकी बैक साइड है और यहाँ पे इसका मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। शुरू शुरू में इट टुक मी सम टाइम टू यू नो गेट एक्वेटेड विद द एनवायरमेंट, विद द प्लेस दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एट, बट इवेंचुअली चीज़ें कुछ बेहतर हो गई और यू नो नाउ आई कम आउट लंच ब्रेक में और फिर मैं आके थोड़ा सा देर बाहर इस तरह से ये व्यू इंजॉय कर लेती हूँ। दो इट्स वेरी हॉट बट अंदर बिल्डिंग में इट्स सो कोल्ड कि इट्स आपको बहुत एक अच्छी सी वाइब आ जाती है थोड़ी देर के लिए। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, आप बहुत फ्रेश हो जाते हो, फिर आप जाके ज़्यादा अच्छी इनपुट दे सकते हो काम के बारे में। सो दैट इज़ वॉट आई डू। तो अभी भी मैं आपको आज की एक स्निपेट दिखा रही हूँ जिसमें मैं बाहर आके आई जस्ट इंजॉयड द व्यू और फिर द स्काई वॉज बिट क्लियर टुडे और पानी देखें कितना खूबसूरत और ग्रीन है, तो मतलब अच्छा व्यू, और शाम के टाइम और अच्छा व्यू हो जाता है। बट क्योंकि गर्मी इतनी है आजकल तो हम लोग टाइम पर निकल जाते हैं, तो शाम में ऐसा मैंने अब तक ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन मैंने अपने कलीग्स वगैरह से सुना है कि शाम के टाइम बहुत अच्छा व्यू होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश भी होता है बिकॉज पीपल दे कम आउट और फिर यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। बिकॉज यू नो देखें मतलब आपके इर्द गिर्द इतना प्यारा व्यू हो तो आप बहुत, आपको नेचर आपके इर्द गिर्द हो, बेस जैसी भी नेचर हो, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है या जैसी भी है, ये आपको बहुत सूद करती है और बेसिकली बहुत अच्छा है। आपकी इनपुट भी बहुत अच्छी होती है काम के मामले में। तो एनी हाउ ये यहाँ का व्यू था ये जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, और कुछ पार्ट में आपको इसका साइड पे भी दिखाती हूँ बिल्डिंग के, जो कि स्विमिंग पूल का एरिया है। तो यहाँ पे मैंने कभी किसी को देखा नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये मतलब इट्स ऑफिस वाली बिल्डिंग। सो यहाँ पे सब काम करने आते हैं देन चले जाते हैं, तो मैंने तो कभी ये भी इतने टाइम से यहाँ पे किसी को नहीं देखा, लेकिन जस्ट टू मेक यू सी काफ़ी क्लियर और प्यारा सा छोटा सा पूल है, बहुत छोटा सा है, लेकिन ये कि इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। और अगर शाम में कभी बंदे का मूड हो तो वो यहाँ पे आके इसको जस्ट इंजॉय। और यहाँ से मैं आपको वापस के पेड़ पे भी दिखाती हूँ, तो अच्छी भली एरिया है यहाँ पे वॉक करने के लिए। और मेरे ख्याल में हम लोग जो सारा टाइम बैठे रहते हैं उससे एक अच्छा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है कि आप यहाँ पे आ जाओ, वॉक कर लो थोड़ी देर, और उससे आप थोड़ा सा लाइट भी फील करते हो। और अच्छे दिन में कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए तो एटलीस्ट 15-1 मिनट तो आप उस एसी के इन्वायरमेंट से निकल के बाहर इधर वॉक कर सकते हो। और जैसे ऐसा व्यू हो तो आधे घंटे तक वॉक नहीं होती लेकिन थोड़े टाइम हो जाती है वॉक। और ये जो साथ वाले बिल्डिंग है विच इज़ बेसिकली रेजिडेंशियल बिल्डिंग, खूबसूरत बनी हुई है काफ़ी, तो यहाँ पे भी यही वाला, ये इधर भी पूल वाला एरिया है इसका। और यहाँ पे अक्सर लोग काफ़ी शाम इस टाइम पे जब मैं बाहर आती हूँ लंच ब्रेक में तो वॉक कर रहे होते हैं लोग। तो मैं आपको फ्रंट से भी कुछ दिखाना चाहूँगी यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पार्ट है। और अभी तो लाइक धूप है, काफ़ी गर्मी है, तो आप यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को नहीं देख रहे शाम में। फिर काफ़ी लोग होते हैं बिकॉज इट के तो सारा रेजिडेंशियल है, तो जहाँ रेजिडेंशियल है वहाँ फिर डेफिनेटली रश तो होगा। ये आपके लिए कुछ स्निपेट्स हैं आज की, और ये फ्रंट साइड की। और अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है आजकल बिकॉज पोस्ट ईद है, तो ईद के बाद आई थिंक लोगों ने ये वाला हफ्ता भी ऑफ लिया है, अपने घरों को गए हैं, तो डेफिनेटली फिर इतना रश और इतना क्राउड नहीं है आजकल। लेकिन इट्स इजी फॉर अस कि सुबह भी हमें कम्यूट करना आसान होता है, वापसी पे भी बिकॉज इतना रश नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ये बस आप लोग आ रहे जा रहे हैं, सामने जो फ्रंट पे बिल्डिंग है यहाँ पे यूजुअली इस टाइम पे लोगों का बहुत रश होता है लंच ब्रेक में, लोग आ रहे जा रहे हैं वो, तो आजकल इधर रश नहीं है। इसका यही मतलब है कि भी लोग छुट्टियों पर घरों को गए हुए हैं। तो खैर दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड आज के दिन की स्निपेट्स में से। मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ कि मैं कैप्चर कर लूँ उतना मैं कर लेती हूँ। आई नो कुछ चीज़ें मोनोटनस हो जाएंगी, तो फिर आई ट्राई कि मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट लेके आऊँ आपके लिए, नॉट सेम, नॉट द सेम थिंग, सो दैट आप लोग बोर ना हो जाए। जस्ट मैं अपनी आंखों से आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे हम लोगों के लिए वर्किंग इन्वायरमेंट्स कैसे हैं, हम किन बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं, कैसे सबको रखा जाता है यहाँ पे, और मतलब वी रियली इंजॉय वर्किंग है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सेफ्टी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो मम्मी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, तो
एनी हाउ सेफ्टी तो वहाँ पे भी बहुत थी, लेकिन ये है कि इट्स लाइक यहाँ पे तो और फिर इतनी हमें प्रोविजन प्रोवाइड की हुई है कि आप आराम से बस स्टॉप से इतने करीब करीब बस पकड़ के यू कैन गो टू द मेट्रो एंड देन यू कैन गो योर होम। सो जब आप पास ये सारी फैसिलिटीज़ हों तो फिर आप कहते हैं यार क्या ज़रूरत है हमें गाड़ी रखने की, लेकिन देन अगेन लाइसेंस हो गाड़ी हो तो कम्यूट करना और आसान होता है और बहुत अफोर्डेबल भी है यहाँ पे गाड़ी रखना भी और मेनटेन करना भी। सो आई वुड इनक्रेज डूइंग दैट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये नेक्स्ट फुटेज जो है इसमें मैं कॉफ़ी लेने गई थी तो जो मेरा यूजुअल प्लेस है वो बंद हो चुका था। आई गॉट लेट, मैं काम में फंस गई थी तो फिर यहाँ पे डिलीवरो का उन्होंने वैसे ही साइन लगाया हुआ है कि दे डिलीवर थ्रू डिलीवरो, और ये हल्की सी मैंने एक शॉट डाली है एक और इट्स अ कॉफ़ी शॉप और यहाँ से मैं कॉफ़ी लेके आई थी और मतलब इट कॉस्टेड मी द सेम, और इतना छोटा सा कप था लाइक इट लिटरली इट देवर जस्ट टू सिप्स ऑफ कैपेचिनो। सो बड़ी शर्म की बात है उन लोगों के लिए कि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइस रखी हुई है इतनी थोड़ी सी कॉफ़ी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब किचन में हूँ और आज यहाँ से फिश ऑर्डर किया है बिकॉज हमारा फिश खाने का दिल था। ये आई थिंक उसके साथ उन्होंने कोई सॉस दी है, ये यू कैन सी ये हमस है। ये कुछ सी सैलेड है ये, और फ्रेश सैलेड होता है बहुत अच्छा साथ खाते हैं फिश के, तो इट लुक्स रियली नाइस। एंड देयर इज अनदर वन एज वेल, और साथ ही लाजमी खुबस भेजते हैं तो जिसे आप अरबिक ब्रेड भी कहते हैं। और मैं अब आपको ये फिश का प्लेटर भी दिखाती हूँ, जस्ट लेट मी ओपन इट अप एंड देन आई विल शो इट टू यू। सो जी, तो ये प्लेटर है, पहले काफ़ी बड़ा होता था साइज़ में, तो अब काफ़ी टाइम बाद हमने ऑर्डर किया यहाँ से दोबारा, तो ये साइज़ छोटा हो गया इसका, और यहाँ तक के फ़िश का साइज़ भी छोटा हो गया। तो ये कुछ ही ये होती है, पहले काफ़ी बड़ा साइज़ था, फिश भी बड़ी वाली थी, पर एनी हाउ। और उन्होंने चार चिप्स रख दी हैं टू कॉम्प्लीमेंटेड, तो ये होती है ये वाली फिश, और ये ग्रिल फिश है, और ये हम जहाँ से मंगाते हैं वन ऑफ द वेरी गुड प्लेसेस जहाँ से अच्छी ग्रिल फिश मिलती है। तो नाउ वील जस्ट हैव आर डिनर, वील एंजॉय इट। हम इसको हाथ से ही खा लेते होते हैं सैलेड के साथ, या फिर अगर दिल करे तो खुबस के साथ, या नहीं भी बिकॉज साथ हमस भी है। एंड दैट्स अबाउट इट, दैट विल बी आर डिनर फॉर टू नाइट, क्योंकि जस्ट दिल कर रहा था फ़िश खाने का और ग्रिल फिश, और फिर घर आते आते भी काफ़ी लेट हो गए हम लोग, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम इधर से ऑर्डर कर देते हैं, और विद इन हाफ एन आवर दे डू डिलीवर, और बहुत मज़े की भी होती है आप देख सकते हैं। सो आई जस्ट ट्राई इट एंड फिर देखती हूँ कि कैसी है। आज काफ़ी टाइम बाद आज हमने ऑर्डर किए यहाँ से, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ से ज़्यादा ही हो गए होंगे। सो आई जस्ट इन्जॉय माई डिनर, और फिर आई कैच यू अप विद द रेस्ट ऑफ द डे। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द फिश फॉर यू। आप भी कहते हो किचन का वही व्यू है, सो मैं लिविंग रूम में और डाइनिंग रूम में भी आहिस्ता आहिस्ता शूट करना स्टार्ट करूँगी। सो फॉर नाउ इस किचन के व्यू से ही वील जस्ट स्टार्ट इट ओवर, एंड इवेंचुअली मैं वहाँ पर भी जाके शूट किया करूँगी। सो फिर मैं आपसे मिलती हूँ विद द रिमेनिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, कि क्या हमने प्लान किया हुआ आज के लिए। सो अभी जी बस रात की चाय है और रिलैक्सेशन टाइम है, साथ टीवी है, थोड़ा सा न्यूज़ पे कैचअप करेंगे, टीवी देखेंगे, और देन देखिए इतनी गर्म गर्म चाय इतनी मज़ेदार लग रही है, और दस पे दिन को वाइंड अप करेंगे। मुझे आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा एक प्रोडक्ट रिव्यू भी शेयर करना है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। मैं चाय पी के आई जस्ट शेयर द रिव्यू विद यू, और उम्मीद है कि आपको चीज़ अच्छी लगेगी, और मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट स्निपेट में किस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ।
जी, तो चाय पीने के बाद आई एम बैक और अभी बस सोने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करना चाह रही हूँ। सो बेसिकली मैंने जिस डिस्कवर किया है, ऑफिस वेयर या रूटीन में हम कहीं भी जा रहे होते हैं, वहाँ जाने के लिए ये बहुत एक यूज़ेबल किस्म की ये कुछ से पाउडर फाउंडेशन है जो कि बहुत न्यूट्रल दिखाती है आपको और आपका ऑयल भी कंट्रोल करती है। सो मैंने रिसेंटली डिस्कवर की है, वरना मैं भी पहले सारी लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करती थी और वो विंटर में तो सही रहती है यहाँ पर मौसम है, पर समर की जो स्पेशली जो 3 महीने हैं ना, जुलाई से लेकर सितंबर तक, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा फेस पे आपके ना बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, और उसके उससे बचने के लिए इट्स बेटर कि आप कोई पाउडर फाउंडेशन यूज़ करें। सो फॉर मी फेंटी ब्यूटी इट्स लाइक यू कुड से सूट कर गई है मुझे। मेरी पहले हमेशा से ऑयली स्किन रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन हो गया, कहीं से बहुत ऑयली हो जाती है, कहीं से काफ़ी ड्राई हो चुकी है, वो भी यहाँ पे रह रहे कि इस वेदर और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अब ऐसी होगी, वरना हमेशा मेरी ऑयली ही स्किन रही है। सो आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड दिस थिंग, फेंटी ब्यूटी की पाउडर फाउंडेशन है। मैं आपको इसको खोल के दिखा के इसको रिव्यू कराती हूँ। सो देखें जी, कुछ ऐसी नज़र आती है, और कलर क्योंकि मैं ज़्यादा गोरा होना और इस तरह आई डोंट बिलीव इन दैट, सो आपके अपने कलर को आपने इन्हांस करना होता है एंड दैट्स इट। यही एक आपने बस अपने स्किन को न्यूट्रलाइज करना है, और उस पे से आप लोगों ने जो थोड़े से बम्प्स हैं, इम्परफेक्शंस हैं, उनको थोड़ा न्यूट्रल करना है। अदरवाइज गोरा होना एवरी थिंग, वी आर वे पास ओवर इट, अब इस सब डायलेमा से हमें निकल आना चाहिए। तो मैंने ये अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिया है, और ये मतलब अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा यूज़ हुआ हुआ है ये, बिकॉज मैंने रिसेंटली इसको परचेज़ किया है और यूज़ किया। मैं बहुत लाइट थोड़ा सा लगाती हूँ, बहुत यू नो यू कुड से बहुत थोड़ी सी इसकी एक थिन सी लेयर लगाती हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा यूज़ हुआ है, और मैं लगाती भी इसको गीले स्पॉन्ज के साथ हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि 240 है, यही मुझे सूट करता है। मैं यूजुअल वेयर में कहीं नॉर्मल वेयर में कहीं आना जाना हो, या फिर कहीं बाहर कोई काम के लिए जाना हो, या इवनिंग्स में स्पेशली आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या कहीं किसी गेट टुगेदर में, तो मैं फाउंडेशन भी इन्हीं की यूज़ करती हूँ, फेंटी ब्यूटी की, और यही कलर है उसमें भी 240, तो मुझे सूट करता है क्योंकि मुझे अपने आप को अपनी से स्किन को न्यूट्रल करना होता है, और बहुत उसको ना एक नॉर्मल सी प्लम्प सी लुक देनी होती है। सो आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि आप लोग भी फेंटी ब्यूटी की प्रोडक्ट यूज़ करें, और डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। और मैंने जब यहाँ पे आके अर्न करना शुरू किया, तो मैंने भी सबसे पहले जो जैसे कहते हैं ना, आप कह सकते हैं एक ब्रांडेड, प्रॉपर ब्रांडेड मेकअप, जिसको आप थोड़ा एक्सपेंसिव मेकअप भी कह सकते हैं, तो सिफोरा से मैंने सबसे पहले ही फेंटी ब्यूटी की फाउंडेशन और उसकी सेटिंग पाउडर लिया था। लेकिन अल्टीमेटली आई डोंट नो, वो मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि शायद जिन्होंने मुझे वो कलर सेलेक्ट कराया था वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ठीक सेलेक्शन नहीं कराती। मैंने नोटिस किया, विल टॉक ओवर इट लेटर ऑन इन अदर वीडियोज एज वेल, जब मैं साथ साथ डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती रहूँगी, कि आपने अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना होता है। आपको अपनी स्किन का सबसे पहले पता है, आपको अपनी अंडरटोन का सबसे पहले पता है, ये किसी और को नहीं पता। सो आप बेस्ट डिसाइड करने वाले हैं कि आपको कौन से शेड जो है वो सूट करेगा। तो कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी, और वो शेड जो मैंने तब लिए थे वो मुझे सूट नहीं किए, लेकिन इवेंचुअली काफ़ी डिफरेंट फाउंडेशन से फिर आकर, जिसमें एस्टी लॉयडर भी है, जिसमें नर्स भी है, नाउ आई एम बैक टू फेंटी ब्यूटी की ओरिजिनल होली ग्रेल फाउंडेशन, जिससे मैंने स्टार्ट लिया था, और यू नो इट सूट्स मी रियली वेल। 240 में यूज़ करती हूँ, कलर बहुत सूट करता है मुझे, और मैंने अब इसका पाउडर फाउंडेशन जो परचेज कर लिए, ये थोड़ी सी इट्स बिट टूवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड, बट द थिंग इज कि इट लास्ट यू वेरी वेल। मैंने आपको दिखाया है कि मैंने अभी ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 वीक्स में भी यूज़ किया है, और देखिए आप, ये जस्ट इट्स हल्का सा बिल्कुल यूज़ हुआ हुआ है, ऑलमोस्ट पूरा पड़ा हुआ भी है, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना थोड़ा यूज़ होता है। मतलब अगर आप कोई डेली लगाने वाला है, तो ये आराम से 6 मंथ्स आपको निकाल लेगा। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्टर किस्म का प्रोडक्ट रिव्यू था आप लोगों के लिए। मैं बहुत प्रॉपर किस्म की डिटेल में प्रोडक्ट रिव्यूज़ लाना शुरू करूँगी आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को इनसाइट्स दे सकूँ कि कौन से कॉस्मेटिक्स किस तरह की स्किन के लिए बेहतर हैं। फिर इसी तरह आई ट्राई कि मैं स्किन के भी थोड़ा सा फोकस करूँ, बिकॉज दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई अदर साइड, जिसको मैं बहुत मुझे पसंद है, मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ, बहुत रिसर्च की हुई है, बहुत आइडिया, मुझे बहुत नॉलेज इन चीज़ों के बारे में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, और आपसे और भी डिटेल्स शेयर होंगी, और जाते जाते मैं आपसे अपना साइड टेबल का लैम्प शेयर कर लूँ। दिस इज़ वेरी क्लोज़ टू मी, इट्स वेरी प्रिटी, और ये हम लोगों ने इस घर में मूव होने से पहले लिया था, और इट्स बेसिकली फ्रॉम होम सेंटर, और मुझे एंटीक्स बहुत पसंद हैं। सो आप उसको, आपको देख के लग सकता है कि मेरी जो साइड टेबल है दैट इज़ ऑल्सो वुडन, तो उसके ऊपर ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। तो कभी भी दोबारा आप लोगों को अपना बेडरूम का फर्नीचर वो सब भी दिखाऊंगी, तो हर सारी चीज़ें डिटेल में, पर अभी के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और मेरी तरफ से आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ। सो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन, मे बी सिटी के बारे में, मे बी जॉब्स के बारे में, मे बी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पसंद है बात करना, या यूजली आप लोगों को लाइफ स्टाइल वीडियोज़ पसंद होती हैं, डेली रूटीन्स पसंद होती हैं, तो चूंकि टोटल काफ़ी हद तक ये बोरिंग हो जाती है बिकॉज डेली की तो आपकी वही मोनोटनस रूटीन है, बट आई ट्राई कि मैं इसको इस तरह से मैनेज करूँ कि इसमें कुछ इंटरेस्ट और बहुत सी चीज़ें लेके आती रहूँ। सो हे इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड, सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।